subcompact SUVs, one of the most hottest segment of our market. And this hot beauty makes it a bit difficult for other cars to stand out against it. So, ladies and gentlemen, let me introduce you to the updated 2022 Hyundai Venue. And अब ये आती है with a lots of new update and facelift के नाम पर बहुत सारे अपडेट दिए हैं Hyundai India ने इसको. So we will talk about each and everything related to the new Hyundai Venue in this video. So what's cracking SPS Cars family, how are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars. Naam Shivam Pratap Singh and I'm back again with another fresh video. And aaj ki is video mein hum discuss karenge sab kuch related to the Hyundai Venue. And baat karte hain iske updates ki, to bahut behtareen update hai, dekh ke hi laga isko. Baki video ko start karenge and sab kuch detail mein baat karenge aaj ki is video mein. Video ko start karte hain usse pehle kuch kehna hai ki agar aapko samajh bhi nahi aata hai ki aapko kaun si car ya bike purchase karni chahiye, no need to worry guys, hi send kare on the given WhatsApp number, wahan pe aap mujhse consult kar sakte hain. Now let's begin our video, let's talk about the 2022 Hyundai Venue. So let's go. सो गाइस, ये हमारे इधर 2022 फेस लिफ्टेड Hyundai Venue. एंड सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, Hyundai ने बहुत ज़्यादा अपडेट दिए हैं फेस लिफ्ट के नाम पे, बहुत ज़्यादा अपडेटेड कार बनाई है. एंड इसके अपडेट्स अभी मैं वन बाय वन बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्रिम की. तो ये हमारी थी SX ऑप्शनल डीजल ट्रिम. एंड बता देता हूँ इसकी प्राइसिंग जो है स्क्रीन पे विजिबल हो रही है, आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीट डिटेल. और फर्दर बात करते हैं, अब अपडेट से स्टार्ट करते हैं. तो एक्सटीरियर में क्या क्या अपडेट्स है, तो वो तो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा क्लियरली आपको कि दिस इज़ द न्यू पैरामेट्रिक ग्रिल, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव क्रोम वर्क के साथ आता है. एंड डेफिनेटली मुझे ये बेटर लग रही है देन द प्रीवियस मॉडल, क्योंकि उसका ग्रिल थोड़ा सा छोटा था, लेकिन अभी मैसिव कर दिया गया है, वाइडर किया गया है, क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. एज एन इंडियन मुझे क्रोम बहुत अच्छा लगता है. बाकी बात करते हैं, ये वाला फिनिश बहुत वाइडर किया गया है ग्लॉस ब्लैक फिनिश को. एंड बात करते हैं तो ग्लॉस ब्लैक स्टाइलिश लग रहा है. एंड अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन ये भी दिखा देते हैं कि ये हमारी दी Hyundai कि बैजिंग या Hyundai जो भी आपको बोलना है, वैसे तो प्रोनाउंसिएशन आप पे डिपेंड करती है. और क्रोम बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है. एंड इवन इतना ब्यूटीफुली इसको अपडेट किया गया है कि आपको कहीं भी ऐसा फ्लैशीनेस तो कहीं नहीं लगेगी कि हाँ बहुत फ्लैशी है, आँखों में लग रहा है, आँखों में चुभ रहा है, नहीं, बहुत शाइनी है एंड अट्रैक्टिव भी है. फर्दर बात करते हैं तो इस पार्ट की, तो ये हमारा द न्यू इंडिकेटर. वेल, ये इंडिकेटर पार्ट है, ये सेपरेट है नहीं, इसको दिखाया गया. बाकी अगर मैं शोकेस करूँ तो इनसाइट वो अटैच्ड है, आपको विजिबल हो रहा होगा या नहीं पता नहीं क्लियरली. बाकी ग्लॉस ब्लैक फिनिश पूरी हमारी यहाँ तक जाती है एंड बहुत स्टाइलिश लग रहा है. अब आपको कैसा लग रहा है इसका फ्रंट, वो तो आप ही कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे. बाकी इधर बात कर लेते हैं, तो ये हमारा है द हेडलैम्प. हेडलैम्प की भी बात करते हैं तो उधर चलते हैं, इधर से मैं आपको शोकेस कर देता हूँ हेडलैम्प्स. सो ये हमारे ये LED DRL के साथ हेडलैम्प आता है, आपको LED हेडलैम्प मिलता है और प्रोजेक्टर सेटअप स्टाइल का है. और फर्दर बात करते हैं बम्पर की, तो बम्पर में मेजर अपडेट है. और यहाँ पे अपडेट है, आपको सॉर्ट ऑफ जो अपडेट देखने को मिल रहा है, बहुत स्पोर्टी है, क्लासी अपडेट है बम्पर में. ये जो क्लैडिंग वर्क है, ये कोई भी जैसे मतलब अगर मैं बात करता हूँ, ग्लॉस ब्लैक वाली क्लैडिंग नहीं दी गई है आपको, नॉर्मल एक जो प्लास्टिक या फाइबर आप कह सकते हैं उसका यूज़ किया गया है. हाँ, जो पार्ट अच्छा है वो ये है कि एयर डैम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर दी एयर डैम्स. वेल, अभी बहुत अच्छा है, मैंने जब आया चेक किया तब मुझे अच्छा लगा ये. हाँ, एक चीज़ है, फॉग लैम्प अब यहाँ पे आपको नहीं मिलता है. इधर कॉर्नरिंग हेडलैम्प है तो वो फॉग लैम्प का ही एक वर्क कर देते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली रखा गया है इसे. बाकी फ्रंट में यही अपडेट है. साइड प्रोफाइल पे चलते हैं, साइड की बात करते हैं. डायमेंशंस एज इट इज़ रखी गई है, 3995 mm की लेंथ है, 1700 समथिंग इसकी जो है विद है, 1640 mm की इसकी जो है हाइट है. एंड फर्दर बात करता हूँ तो 2500 का इसका एग्जैक्ट व्हील बेस है और स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं वो आपको विजिबल हो रहे होंगे. साइड में एज सच कोई भी अपडेट नहीं है, फ्रॉम द फ्रंट स्लैंग टू द रियर कोई भी अपडेट नहीं है. हाँ, एक चीज़ मैं आपको शोकेस करना चाहता हूँ, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट,
बहुत ज़्यादा बॉक्सी कैरेक्टर अब जो है ट्राई किया गया है. बाकी अभी उसकी भी बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस. दीज आर दी अपडेटेड व्हील्स. या सो अलॉय में अपडेट रखा गया है. टायर साइज कोई भी चेंज नहीं, 215/60 R16 अलॉयज आपको देखने को मिलते हैं. देर इज नो एज सच चेंज, बट ये जो अलॉयज है ना, आपको कैसे लग रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. बट दीज अलॉय लुक्स अमेजिंग, बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं. एंड Hyundai वैसे ही अलॉयज के लिए बहुत जाना जाता है, उनके जो डिज़ाइन लैंग्वेज होता है उसके लिए, एंड बहुत अमेजिंग है. और इधर बात करते हैं तो MacPherson Nested सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है. एंड अब बात करते हैं क्या क्या अपडेट किया गया है, क्या क्या कैरेक्टर लाइंस शोकेस होंगी इस पर, वो सब की बात करते हैं अब. ओके, तो जो मैं शोकेस करना चाह रहा था वो ये है कि आप देख सकते हैं इतना मस्कुलर कैरेक्टर जो है ना, एक बॉक्सी स्टाइल का ये क्लीन वर्क जो दिया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे जो बॉडी लाइंस है. इस चीज़ की बात जो मैं कर रहा था, यहाँ पे जो बहुत क्लीन वर्क जो है दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है. हुड एज इट इज़ रखा गया है, कोई ऐसा मेजर बदलाव नहीं है. बट यहाँ पर अगर मैं चेंज की बात करता तो ये जो बॉक्सी कैरेक्टर है, फ्रंट स्लैंग से लेकर ये जो रियर स्लैंग है यहाँ तक जाता है. एंड दैट इज़ अमेजिंग. आपका जो बॉक्सी कैरेक्टर है वो आप देख सकते हैं, आपको खुद क्लियर हो रहा होगा इस पे, यहाँ इस एंगल से, या आपको खुद समझ में आ रहा होगा वॉट इट इज़, क्या लग रही है ये कार और क्या अपडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ. एंड साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो ये क्लैडिंग वर्क को भी और ज़्यादा एनहेंस किया गया. उसके नीचे ये जो है आप देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस सेम रखी गई, बट ये चीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा अपडेट की गई है, ये वाली चीज़. और बस और कोई ऐसा मेजर अपडेट नहीं है सच. यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है क्रोम डोर हैंडल, अर्लियर मॉडल पे भी आते थे. यहाँ पे उस ड्राइवर ओनली साइड जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं. ORM की बात करते हैं तो पावर एडजस्टेबल है, टॉप एंड ट्रिम है. और ये जो न्यू स्टाइल के आपको जो है DRL सब देखने को मिलते हैं. हाँ, एक फंक्शन और एड ऑन किया गया है, की के साथ भी इंजन स्टार्ट स्टॉप किया जा सकता है, तो ये एक और फंक्शन एड ऑन किया गया है. देन रूफ़ रेल्स की भी बात करते हैं, तो रूफ़ रेल्स में आपको क्या अपडेट देखने को मिलता है, कोई भी एज सच अपडेट नहीं है, बट ये चीज़ आपकी एड ऑन की गई है और ये फंक्शनल रूफ़ रेल है. एंड आपको ये देखने को मिलता है यहाँ पे सनरूफ हो गया एंड दिस शार्क फिन एंटीना. बस और कोई अपडेट नहीं है. रियर प्रोफाइल पे चलते हैं, तो रियर प्रोफाइल एक बहुत मेजर अपडेट के साथ आता है. अगर आपको मैं शोकेस करूं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस फिनिश टेल लैंप्स की, ये कनेक्टिंग टेल लैंप्स के साथ आती है. अब बहुत लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा, बहुतों को नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप क्लियर स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि किस तरीके के हेडलैम्प्स हैं और क्या डिज़ाइन लैंग्वेज है उसका, कैसे जलना है. और यहाँ पे भी मैं आपको शोकेस करता हूँ कि क्या है यहाँ पे जो कैरेक्टर्स शोकेस किए गए हैं ना, बहुत अच्छा है. लुक एट दिस, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो ठीक है, ये बॉक्सी स्टाइल दिया है. ये पार्ट ना थोड़ा सा इनसाइड है, और इधर से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग दी गई है, जो कि बहुत इसको एक स्टाइलिश लुक दे रहा है. एंड देन फर्दर बात करते हैं तो ये पूरा कनेक्टिंग टेल लाइट स्टाइलिश, बहुत अच्छा लग रहा है. और फर्दर बात करते हो तो Hyundai Venue बैजिंग, SX बैजिंग, और रियर बम्पर पे भी वही अपडेट. आपको फ्रंट बम्पर की तरह ही रियर पे भी वही क्लैडिंग वर्क देखने को मिलेगा, वही ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी. एंड एज सच कोई भी अपडेट नहीं है इधर, और सिल्वर क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगी. देन यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो है पार्किंग सेंसर्स हो गए, पार्किंग कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो ये पूरा एक्सटीरियर अपडेट हो गया. एंड यहाँ पे वाइपर और डिफॉगर वॉशर, बस बाकी रूफ स्पॉयलर आपको एज प्रीवियस मॉडल पे भी ये देखने को मिलते थे. एंड Hyundai Venue ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थी अपने सेगमेंट में फॉर इट्स डिज़ाइन लैंग्वेज, बहुत सारे लोग इसे परचेज करते हैं. बट अब जो डिज़ाइन लैंग्वेज है थोड़ा और ज़्यादा स्पोर्टी है और ज़्यादा क्लासी बनाया गया है. नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड जल्दी से बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या अपडेट दिए गए हैं. इंटीरियर की भी बात कर लेते हैं कि क्या इंटीरियर में भी वही फेसलिफ्ट से भी ज़्यादा अपडेट दिया गया है, या कुछ ठीक है अपडेट वाले हैं. लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. सो गाइस, इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको इंजन शोकेस कर देता हूँ, क्योंकि वो नहीं बात की हमने इंजन की. तो ये हमारा एक डीजल यूनिट है. वेट अ मिनट. ओके, हुड क्वाइट हैवी है,
बाकी फर्दर बात करते हैं तो 1.5 लीटर का जो आपको एक डीजल यूनिट देखने को मिलता है, CRDI डीजल यूनिट, 16 वॉल्ट फोर सिलेंडर इंजन है, 98 BHP तक की हॉर्स पावर यानी 100 PS एंड 240 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क चंस आउट करके देता है। एंड ये डीजल यूनिट आप सभी जानते हैं कितना रिफाइंड है, और अगर आपने Hyundai Venue चला रखी है ऑलरेडी तो आपको पता होगा। और मैं अब चलते हैं इंटीरियर में एंड हुड को क्लोज कर देता हूँ प्रॉपरली, देन वी विल टॉक अबाउट फर्दर। सो इनसाइड द कैबिन चलते हैं गाइस। एंड वेल मैं आपको पहले ये चीज़ दिखा देता हूँ जो सबसे न्यू फीचर इसका है, द रिक्लाइन एंगल। वेल सीट अब आप रिक्लाइन कर सकते हैं अप टू 3 स्टेप, जो भी आपको चाहिए अकॉर्डिंगली आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं उस अकॉर्डिंगली, देख सकते हैं अप टू 3 स्टेप हो चुके हैं। एंड यहाँ से मैं आपको कंपेयर करके शोकेस कर देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कितना रिक्लाइन एंगल, ये इतना रिक्लाइन एंगल आया है उस सीट में, इस सीट में कप होल्डर प्लस आपको ये आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। बाकी हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं फॉर द 2 पैसेंजर्स, बट सेंटर पैसेंजर के लिए नहीं है। और बूट मैंने आपको शोकेस नहीं किया, बूट भी देख सकते हैं इसका, यहाँ से ओपन होता है बूट, लुक एट दिस। और बूट में कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है अगर मैं बात करता हूँ बूट की। और यहाँ पे देखते हैं तो एक स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाता है, और ये हमारा R15 आपको स्पेयर व्हील मिलता है जो कि स्टैंडर्ड है, कोई भी आपको एज सच अलॉय नहीं देखने को मिलता है फॉर द बूट, फॉर द स्पेयर टायर। वेल सॉरी, अब चलते हैं इनसाइड द कैबिन बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है स्पीकर, 1 लीटर वाटर बॉटल रखने की स्पेस, और थोड़ा सा डॉल टोन टच आपको देखने को मिलता है, फैब्रिक प्लस लीदर पॉल्स्ट्री आपको देखने को मिलती है। इंटीरियर बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है टेम्परेचर की वजह से, एंड ऑलमोस्ट 2 o'clock हो रहे हैं इस टाइम पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, और मुझे पता है कितनी गर्मी है यहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ कुशनिंग की तो आई लव Hyundai फॉर दिस, मतलब इस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा से Hyundai का एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। जो कंफर्ट ये लोग ऑफर करते हैं, आई थिंक नो वन कैन डू सच थिंग्स, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। आपका लेग रूम आप देख सकते हैं, सीट की मैं डेप्थ आपको शोकेस कर देता हूँ, लुक एट द डेप्थ मैन, लुक एट द डेप्थ। एंड ये सबसे बड़ा बहुत बेस्ट पार्ट कि ये होल्ड बहुत अच्छी तरीके से करती है सीट। उसके बाद साथ ही साथ अब जो बेस्ट पार्ट आया ना कि Hyundai ने इस चीज़ को कट कर दिया है, इस इतने पार्ट को, सो दैट आपको लेग रूम अगर ये नॉर्मल भी ऐसे एडजस्टेड भी रहे तो आपको इतना नी रूम बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एयर एसी वेंट आपको देखने को मिलते हैं, ए टाइप के जो है आपको सी टाइप के अब जो है USB पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं चार्जिंग के लिए। एंड ये बता देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा बम्प है फ्लोर पर, सो एक सेंटर पैसेंजर एक चाइल्ड होगा तो बेटर होगा, क्योंकि हमारा एक बार नी क्लैश कर सकता है इससे, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर प्योरीफायर आपको देखने को मिलता है इनसाइड द कैबिन, और फर्दर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है होल्डर, देन दैट्स ऑल। लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बाकी और कोई इधर कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, सीट बहुत अच्छी है। कुशनिंग की बात करता हूँ तो कुशनिंग तो Hyundai की नो डाउट बहुत अच्छी रहती है। अगर आपको Hyundai सिर्फ एक लाइक एक कंफर्ट वाली कार चाहिए तो Hyundai से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड चलते हैं फ्रंट रो पे एंड फ्रंट सीट की बात करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हॉट हो गई है सिर्फ इतनी देर में। लेट्स गेट टू द फ्रंट एंड लेट्स सी हाउज द फ्रंट लुक, और क्या क्या अपडेट हुआ है फ्रंट में, एंड देखते हैं क्या क्या है फ्रंट अपडेट। अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रंट डोर हो गया हमारा, वही डॉल टोन आपको देखने को मिलता है, लीदर प्लस फैब्रिक का थोड़ा बहुत कॉम्बो है। एंड बात करते हैं तो ये विंडो कंट्रोल्स हो गए हमारे, पावर विंडो फ्रंट, पावर विंडो रियर आपको देखने को मिलता है। एंड फर्दर बात करते हैं तो पावर एडजस्टेबल RVM है, स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड फर्दर मैं आपको इंटीरियर एक बार यहीं से शोकेस कर देता हूँ, देन मुझे ये सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी, सो वेट अ मिनट, क्योंकि ये सीट एडजस्टेड नहीं है। तो आपको यहाँ पे वैसे मैं एक पार्ट और शोकेस कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलता है, इलेक्ट्रिकली आपको सीट एडजस्ट कर सकते हैं। एंड हाइट जो है मैनुअली एडजस्टमेंट है इसमें, और सीट हो गई, एक मिनट मैं आपको शोकेस कर देता हूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलता है, लेट मी एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली फर्स्ट, सो वेट अ मिनट, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, पावर एडजस्टमेंट एंड सीट अब आपको शोकेस कर देता हूँ। सीट में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फॉर द कम्फर्ट लेवल मैन, सच में। सो वेट अ मिनट, इससे आप जो है हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, मैनुअली भी आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को, वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी लेट्स गेट इनसाइड।
सो गाइस, ये हमारी हिंडा वेन्यू का इंटीरियर, अपडेटेड इंटीरियर। एंड सबसे पहले तो स्टीयरिंग की बात करते हैं। मैं डोर क्लोज कर लेता हूँ। अब ये ओपन इसलिए रखा है कि बाहर का टेम्परेचर कार से टेम्परेचर से भी बहुत कूल है, इसलिए बाकी बात करते हैं। लेट मी क्लोज इट फर्स्ट। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, तो न्यू 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, जो कि क्रेटा से भी बिगर है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। एंड बात करते हैं तो बहुत सॉफ्ट टचिंग मटेरियल आपको देखने को मिलता है। एंड दिस मेक्स इट मोर स्पोर्टी। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है ये, और सिल्वर फिनिश मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील, जो कि बहुत स्टाइलिश टच आपको देख रहा है। यहाँ पे वॉइस कंट्रोल मोड ऑप्शन है। इन्फोटेनमेंट 8 इंचेस की आपको देखने को मिलती है। एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी जो कंट्रोल है यहीं पे है। क्रूज कंट्रोल, हैंडलम कंट्रोल्स, वाइपर कंट्रोल्स एंड क्लू। अब जो है हम जरा स्टार्ट करके देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऐसा क्या नया है। वेल, दिस इज द फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो लुक एट दिस मैन। ओके, सो क्लच प्रेस करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करूँगा। बाकी बात करते हैं इधर, तो ये हमारा सेंटर हो गया, पूरे सेंटर कंसोल, सेंटर कंसोल में ये हमारा हो गया पूरा एक टच स्क्रीन। एंड दिस इज़ द सेंटर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वेट अ मिनट। ओके, तो पहले इंफोटेनमेंट की बात कर लेते हैं। 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो कि ऐसा नहीं है कार में, और ज़्यादा हीट है। और बाकी इधर बात करते हैं तो पूरा एक न्यू यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यूआई पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। नेविगेशन, मैप, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वॉलेट मोड, सेटिंग जैसी चीज़ें, क्लॉक, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। रेडियो, मीडिया, ब्लू लिंक अब एड ऑन कर दिया गया है। एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और फर्दर बात करते हो तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो तो एज इट इज़ आता ही है पहले से ही। और बाकी लेआउट हो गया, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी एम्बेड लाइटिंग है वो एड ऑन कर दी गई है एज ए टॉप एंड ट्रिम, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। 360 डिग्री व्यू कैमरा नहीं है, बाकी एज सच सारे फीचर्स इसमें ऑफर किए जाते हैं। जो 50 कनेक्टेड टेक्स्ट पहले थे, ह्यूंडई उससे खुश नहीं रहा। उसने कहा कि मैं और ज़्यादा टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, एंड उन्होंने 60 कर दिया है। तो ये पूरी डिटेल्स हो गई ऑफ द इंफोटेनमेंट। बाकी अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी, जो कि अब ओपन हुआ है। एंड दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बहुत स्टाइलिश लग रहा है। एंड आपको स्पीडोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ये सब देखने को मिलता है। एक डायरेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि बैटरी के इशू हो रहा है। और बाकी बात करते हैं, ये हमारा पूरी डिटेल्स ऑफ द डैशबोर्ड। लुक एट द डैशबोर्ड, बहुत स्टाइलिश है, ऑलमोस्ट सेम रखा गया। हाँ, ये चीज़ है कि ये लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ह्यूंडई यूज़ टू यूज़ प्लास्टिक, लुक एट दिस। बट जो लेआउट है और जिस तरीके से यूज़ किया है, आपको लगेगा नहीं ये प्लास्टिक यूज़ किया है। बहुत ब्यूटीफुली जो है इसका डिज़ाइन रखा गया है, बहुत ब्यूटीफुली जो मटेरियल क्वालिटी है वो चूज़ की गई है। सेंटर कंसोल में इधर बात करते तो ये पूरे कंट्रोल्स हो गए, बटन कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हैजर्ड लैम्प हो गया, ये हो गया हमारा एसी कंट्रोल, ऑटो एसी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। देन दिस है, बात करते हैं तो आपको जो है USB A टाइप मिलता है। अब जो है सी टाइप को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो यहाँ पे सी टाइप भी मिलता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये हमारी की हो गई। बात करते हैं की तो आपको रिमोट फंक्शन अब यहाँ पे देखने को मिलता है, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, बाकी वायरलेस चार्जर, 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है, मैनुअल गियर बॉक्स है। और यहाँ पे कुछ स्टफ रखने के स्पेस, 2 कप होल्डर्स की स्पेस, एंड दिस इज द आर्मरेस्ट। बाकी इसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। और ग्लोब बॉक्स की भी बात करते हैं तो इधर आपका ग्लोब बॉक्स हो गया, जो कि आता है कूलिंग ग्लोब बॉक्स है। एंड फर्दर बात करता हूँ, डिसेंट स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। और ये बात करते हैं तो ये सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील है, देयर इज नो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, कोई भी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। एसी वेंट्स आप देख सकते हैं। और ह्यूंडई वेन्यू की बात करते हैं कंफर्ट की, तो आपको कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा अंडर थायर सपोर्ट है, ग्रिप बहुत अच्छी है सीट की, बहुत ब्यूटीफुली होल्ड करती है, हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और ये चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि डेप्थ इतनी बेस्ट रहती है कि बैक को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करती है। देन आपको यहाँ पे सनरूफ देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये हमारा हो गया दी हेडलैम्प्स, जो वैनिटी मिरर है वो देखने को मिल जाता है। और ये हमारा SOS देखने को यहाँ पे मिल जाता है आपको। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सो ये हमारी दी ह्यूंडई वेन्यू। लेट मी टर्न द कैमरा एंड कंक्लूजन देते हैं कि क्यों आपको ये परचेज़ करनी चाहिए।
सो गाइज बात करते हैं हम Hyundai Venue की कि क्यों आपको परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहला तो फीचर जो कि आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और Hyundai Venue पहले से ही बहुत फीचर्स ऑफर करती थी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, वायरलेस चार्जर हो गया, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, टैक्स को बढ़ा दिया गया है, फीचर्स लाइक डिजिटल फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर आपको एक बहुत अच्छी फीचर लोडेड कार चाहिए तो ये Hyundai Venue से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। देन सेकंड पॉइंट, ये कंफर्ट लेवल, आई एम डैम फैन ऑफ द कंपनी, क्योंकि Hyundai जिस तरीके की कार बनाता है, जिस तरीके का कंफर्ट ऑफर करता है, उससे तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। थर्ड रीज़न, पावरफुल इंजन, 100 PS तक की हॉर्स पावर, डीजल यूनिट है। अगर आपको एक डीजल कार चाहिए तो आपको वो ऑप्शन दे दिए है, मैनुअल चाहिए मैनुअल का ऑप्शन है, IMT में भी आपको देखने को मिलता है, बट उधर इंजन का थोड़ा सा चेंज होगा, टर्बो पेट्रोल में आती है, पेट्रोल यूनिट में एक नॉर्मल आता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वेरिएंट बहुत सारे हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं, 7.53 लाख रुपीज़ की इंट्रोडक्टरी प्राइस है, टॉप एंड ट्रिम्स की प्राइजेस अभी भी रिवील नहीं हुई हैं और कुछ की बची हैं। अगर बात करते हो तो प्राइजेस बहुत स्मार्टली रखी गई है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तो अगर आप अभी लेते हैं फ़ायदे बनाएंगे। और दूसरी बात करता हूँ तो इंटीरियर का जो प्रीमियम सॉर्ट ऑफ लुक है, सो अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए जो कि आपको कंफर्ट ऑफर कर सके, फीचर्स ऑफर कर सके, हिली एरियाज में भी ड्राइव कर सके, नॉर्मल प्लेन्स में ड्राइव कर सके, एसयूवी वाला फील दे, एक्सटीरियर से बस दिखाने के लिए एक कार चाहिए कि हाँ एक एसयूवी है, तो भाई इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं लगता मुझे। कई होगा, कुछ कमियां होती है, हर कार की होती है, लाइक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारी चीज़ों से भी होती है, तो वो हर चीज़ परफेक्ट हो ऐसा कभी नहीं होता, बट दिस इज़ गुड। अगर आप चाहते हैं इसे परचेज करना, देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन। सो गाइस, ये थी हमारे द Hyundai Venue। आपको कैसी लगी ये कार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फाइनली मैंने इसकी भी वीडियो शूट कर ली, बहुत लेट की है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे, बट ड्यू टू हैवी वर्क लोड, बहुत सारे काम थे, उसको फिनिश करके फाइनली बैक टू वर्क एंड अब सब कुछ नॉर्मल है। अब रिव्यूज़ आएंगे, बहुत सारे रिव्यूज़ आएंगे एंड ये सारा कंप्लीट वीडियो था। आपको कैसी लगी Hyundai Venue कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छी पॉइंट्स आपको लगी वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और यूजफुल लगी हो तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू क्लिक ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसे आप मिस आउट ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आज की वीडियो बस नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।